घर से कपड़ों का बिजनेस कैसे करें, तो आज ये टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं खुद घर से कपड़ों की सेलिंग करती हूँ, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इसमें 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं, तो चलिए एक एक करके उनको कि कपड़ों के बिजनेस में, घर से कपड़ों के बिजनेस करने के लिए कितने बजट की जरूरत पड़ती है। तो कम से कम आपके हाथ में 20 से 30 हजार रुपए होनी चाहिए कि आप ये डिसाइड कीजिए पहले कि कपड़ों में आपको क्या क्या रखना है, क्योंकि कपड़े में इतनी सारी वैरायटी होती है कि आप अगर बिना सोचे समझे मार्केट में जाते हैं खरीदने के लिए, परचेस करने के लिए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि लेना क्या चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए आप अपने सोसाइटी में देखिए कि आपके सोसाइटी में क्या सबसे ज्यादा चलता है और किस रेंज का चलता है, उसके बाद आप परचेसिंग कीजिए। आपने बजट बना लिया, आपने डिसाइड भी कर लिया कि आपको लाना क्या है क्या नहीं लाना है, तो आप परचेसिंग कहाँ से करें। मैं जहाँ से परचेस करती हूँ वो आप लोगों को बताती हूँ। मैं जाती हूँ दिल्ली, मेरे यहाँ से दिल्ली नजदीक पड़ता है, तो आप किस एरिया में रहते हैं और वहाँ से कौन सी होलसेल मार्केट आपके पास नजदीक पड़ता है, आप वो डिसाइड कीजिए। मेरे पास दिल्ली नजदीक पड़ता है, तो मैं दिल्ली से लाती हूँ सामान। दिल्ली में अगर आपको कॉस्मेटिक्स चाहिए तो सदर बाजार चली जाइए, और कम रेंज में अगर आपको कपड़े खरीदने हैं तो आप गांधीनगर चली जाइए। कि आपको घर पे ही डिसाइड कर लेना है कि कौन सी कितने का कितना क्या सामान लेके आना है। जैसे मैक्सिमम मान लो मेरे पास 10 हजार का बजट है, जिसमें से मुझे 5 हजार की कुर्तीज लेके आनी है, 5 हजार की लेगीज लेके आनी है, तो ये मैं घर से ही डिसाइड करके जाऊंगी। नहीं तो फिर वहां जाने के बाद मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, जहाँ पे 5 हजार का बजट बनना चाहिए वहाँ पे 10 हजार का बन जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान से, वो ये है कि आप चलो आपने बजट बना लिया, आपने डिसाइड भी कर लिया कि आपको लाना क्या है, और आप परचेसिंग भी कर लाए, और उसके बाद आपको आपके कपड़े पे एमआरपी क्या लगाना है। तो एमआरपी आप अपने एरिया में देखिए कि आपके एरिया में किस रेंज के कपड़े बिकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप घर से सेलिंग कर रहे हैं, तो आप एमआरपी स्टार्टिंग में ज्यादा मत रखिए। अगर आपको अपने कस्टमर बनाने हैं तो कोई भी चीज मान लीजिए 100 रुपए की है, तो ज्यादा से ज्यादा उसको 150 रुपए उसकी एमआरपी लगाइए। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को वॉचिंग करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।